everyone. So hope you all are fit and fine. Welcome to my channel. I am absolutely fine. So what we are gonna do today? सबसे पहले आज हम एक मेकअप वीडियो शूट करेंगे. My everyday makeup look. अगर मैं कहीं पर भी जाती हूँ, सपोज अगर मैं गुरुद्वारा जा रही हूँ या मैं अपने स्कूल के लिए, जो एज आई एम अ टीचर, तो अगर मैं स्कूल भी जाती हूँ तो मैं कौन सा मेकअप रूटीन फॉलो करती हूँ, मैं क्या लगाती हूँ, आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ. फर्स्ट आई एम गोना प्रेप माई स्किन विद द रोज वाटर. ये मेरे पास कामा का रोज वाटर है. सो इसके साथ मैं अपनी स्किन को प्रेप करूंगी. रोज वाटर इज वेरी गुड फॉर योर स्किन. तो मैं अपनी रोज वाटर से स्किन को प्रेप करती हूँ ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे. नाउ थोड़ा सा यू हैव टू वेट फॉर 1 to 2 seconds ताकि ये रोज वाटर आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए. वंस इट इज एब्जॉर्ब, यू आर गुड टू अप्लाई योर मॉइस्चराइजिंग क्रीम. राइट नाउ इट इज समर टाइम, आपको पता है समर टाइम है, और इस टाइम जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं एज अ यूज करती हूँ वो है, दिस इज न्यूट्रोजिना सनस्क्रीन. एज यू नो दैट सनस्क्रीन लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये एज अ मैं मॉइस्चराइजर भी यूज करती हूँ, सनस्क्रीन भी यूज करती हूँ. मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसको ज्यादा नहीं लूंगी, बस इतना सा फिंगर पे लूंगी एंड आई विल अप्लाई इट ऑन माई स्किन. सनस्क्रीन इज सेट इन योर स्क्रीन. नाउ आई एम गोइंग टू हाइड्रेट माई लिप्स. सबसे पहले मैं एक लिप बाम, अच्छी से आप कोई भी ब्रांड के लिप बाम ले सकते हैं और अपनी लिप्स पे लगाएं. रब की आपके इसको मैं रब करूंगी अपने लिप्स पे ताकि अच्छे से अप्लाई हो जाए मेरे लिप्स पे. नाउ माई स्किन इज प्रेप्ड अप, माई लिप्स आर हाइड्रेटेड. वट आई एम गोना डू, मैं सबसे पहले अपने स्किन को कंसील करती हूँ. मैं ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती अपने फेस पे, मैं मेन मेरा फेस मैं कंसील करती हूँ. तो आई एम हैविंग दिस पैलेट, सिवाना पैलेट, कलर पैलेट, सिवानाज कलर पैलेट कॉन्टोर किट. तो इससे मैं क्या करूंगी, इससे मैं अपने जहां जहां भी, जैसे मेरे डार्क सर्कल्स है, थोड़ा बहुत जहां पे भी पिंपल्स पॉप आउट हुए हुए हैं, उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, आपके पास कोई भी अगर ब्यूटी ब्लेंडर है उससे आप इसको अपने जो भी डार्क स्पॉट है उसको छुपा सकते हैं. सो दिस इज द ब्यूटी ब्लेंडर विच आई एम हैविंग. अब इस ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने क्या किया है, वॉटर के अंदर अच्छी तरह से सोक करके इसको इस तरह से पूरा का पूरा गीला करके मैंने इसको, अब मैं इसके साथ ये दो शेड्स लूंगी, दिस एंड दिस, ओके. और ये मैं अपनी अंडर आई पे अप्लाई करूंगी. थोड़ा सा आईज के ऊपर भी अपना कंसील करें क्योंकि आई लिड भी थोड़ी कंसीलिंग जरूरत होती है, आईलिड को भी. वंस इट इज कंसील्ड आप फर्क देख सकते हो, यू कैन सी द डिफरेंस आफ्टर कंसीलिंग दैट इट इज टोटली हिडन. ठीक है, अब जहां जहां मेरी स्किन के फेस पर जहां जहां भी मेरे पिंपल्स या कुछ भी है मैं उसको आप कंसील करूंगी, जैसे मुझे ये दिख रहा है. अगर आपको लग रहा है कि इट इज इनफ, कंसील हो चुका है, तो आप इसको कंसीलिंग पैलेट को रख सकते हो. अब जरूरी नहीं है कि आपको कंसील करने के लिए कंसीलिंग पैलेट की जरूरत हो. अगर आपके पास कोई भी कंसीलर है, किसी भी ब्रांड का कंसीलर है, आप उसको यूज कर सकते हो अपने फेस के कंसीलिंग के लिए. नाउ यू कैन सी दैट माई फेस इज कंसील्ड. मैं इतना ही कंसील करूंगी ताकि ये नेचुरल लगे. ओके, नाउ इट इज कंसील्ड. नाउ नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आई एम गोना डू, आई डोंट अप्लाई फाउंडेशन एवरी डे. आई डोंट अप्लाई फाउंडेशन एवरी डे. व्हाट आई अप्लाई, आई यूज बीबी क्रीम. ओके, सो आई एम हैविंग दिस लैक्मी सीसी क्रीम. ठीक है, इससे मैं अपनी स्किन पर पूरी तरह से लगा लूंगी. इसको मैं अपने हैंड पे लूंगी, छोटा सा अमाउंट अपने हैंड पे लीजिए, जितना भी आपके फेस को जरूरत है.
अच्छी तरह से मैं इसको स्मज कर लूंगी अपनी स्किन में ताकि ये ऑड ना लगे मेरी स्किन से। जितना आप ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना मैंने रेगुलरली सीखा है करते हुए मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूं। ठीक है, डोंट फॉरगेट योर नेक, बिकॉज ऑड लगता है कि नेक आपकी अलग कलर की दिख रही है और आपका फेस अलग कलर का दिख रहा है। ये आई गेस अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो गया है मेरी स्किन में एंड यू कैन सी दैट इट इज नॉट लुकिंग ऑड। ये मेरी स्किन कलर से एकदम मैच कर रहा है। आई मेक श्योर दैट इट डजंट लुक ऑड ऑन माई स्किन। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू, वंस माई स्किन इज प्रेप्ड अप पूरी की पूरी कंसील और थोड़ा मैं सीसी क्रीम के साथ टचअप कर चुकी हूँ, अब मैं अपने थोड़े आईब्रोज को फिल करूंगी। आई एम यूजिंग दिस शुगर की ब्रो पेंसिल। ठीक है, सबसे पहले मैं ब्रश से अपने ब्रोज को सेट करूंगी एंड वंस इट इज सेट फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी साइड पर ये पेंसिल है इससे अब मैं फिल करूंगी। बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग इट। And that's it. Okay, इससे ज्यादा मैं फिल नहीं करूंगी। That's it. Once your brows are done, आपके brows done हो चुके हैं, अब regular makeup में के अंदर किसी के पास time नहीं होता कि वो eye palette को open करके eye palette के साथ eyes को fill करे। तो what I am going to use a lipstick, a brown color lipstick to give a natural effect to my eyes. Okay? I have this brown color lipstick. Okay, what I'm gonna go do? Open the lipstick. अपनी hands को जितना अच्छा आप use करोगे, hands से अच्छा brush कोई नहीं होता। ठीक है, अब थोड़ा सा natural effect देने के लिए eyes को मैं इसको blend कर दूंगी अपनी eyes में। Make sure that both eyes are equal. I guess it is done. Once it is done, you can see. No one can guess कि आपने eyes पे lipstick को apply किया है. So you can use the lipstick as a eyeshadow, a brown lipstick. Okay? It will give you a natural effect. So now the next step is eyeliner. मैंने eyes पे shadow को lipstick को ऐसा shadow use करके eyes को fill कर दिया, एक good color दे दिया है. Now what I'm going to do, I'm going to apply a liner to my eyes. I'm using this Swiss Beauty Jet Black liner, sketch liner. ठीक है, इससे मैं अपनी eyes को fill करूंगी. So liner is the most tricky part. My one eye is done. मैं second eye जल्दी से करके आपके पास। You can see that my both eyes are done. मैंने दोनों eyes को liner के साथ fill कर लिया है। Now what I am going to do? I am going to apply kajal on my eyes. ठीक है, I am using this color bar kajal. I have this color bar kajal. I am going to fill my eyes with this kajal. Now what is the thing that my eyes are very much watery, बहुत ज्यादा watery as you can see on camera also कि मेरी eyes बहुत watery है। मैं जब भी liner और काजल लगाती हूँ मेरे eyes से water निकलता ही निकलता है। So I always avoid काजल, मैं ज्यादातर काजल्स को avoid करती हूँ क्योंकि ultimately मेरे जो आईज के काजल होते हैं वो फैल ही जाते हैं, तो मैं आईज पे काजल बहुत कम लगाती हूँ। लाइनर आई अप्लाई बट काजल आई यूज वेरी लेस। यस, माय आईज आर नाउ वॉटरी।
सो मेरी आईज फेल हो चुकी है एज यू कैन सी. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक एनी लूज पाउडर. आई हैव दिस लूज पाउडर विच इज मेबलिन लूज पाउडर. मैं इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे थोड़ा सा लूंगी. आई हैव टेकन इट. ओके नाउ मेरा जो अंडर आई है मैं उसको सेट कर लूंगी. इससे जो भी मुझे एरिया सेट करने वाला लगता है मैं उसको सेट कर लूंगी, क्योंकि मुझे मेरे टी जोन पे और मुझे अंडर आई पे बहुत स्वेटिंग होती है. वंस इट इज डन, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई ब्लशर ऑन माय स्किन. ठीक है, सॉरी चीजें गिर रही हैं. सो आई हैव दिस शुगर का ब्लश पैलेट. सो मैं इसको अपने ब्रश पे लूंगी. एक्सेस को मैं इसको यू कैन सी द डिफरेंस नाउ. डे टाइम पे आप कोशिश करें कि कम से कम ब्लश लगाएं, क्योंकि ज्यादा ब्लश आपकी स्किन को बहुत अजीब बना देगा. तो लेस ब्लश नेचुरल इफेक्ट. मैं इसको पूरा का पूरा स्मच कर लूंगी. एंड आई हैव नाउ नेक्स्ट टाइम गोइंग टू डू थोड़ी सी हाइलाइटिंग, क्योंकि आई लव हाइलाइटर्स. इट विल गिव अ वेरी गुड इफेक्ट टू योर स्किन. सो मैं एक मेरे पास मेबलिन का हाइलाइटर है, मास्टर क्रू. शेड है मोल्टन गोल्ड. ओके सो मैं उसी ब्रश पे, जिस ब्रश से मैंने ब्लश को लगाया, मैं उसी ब्रश से हाइलाइटर को ले रही हूं और अपनी स्किन पर अप्लाई कर रही हूं. यू कैन सी द ग्लो. That's it. No more highlighter. Now I'm going to apply lipstick on my lips. This is Sugar Key Smudge Me Not liquid lipstick. This is the shade which I like the most. I'm going to apply on my lips. So that's it. I have applied a lipstick on my लिप्स. नाउ व्हाट आई एम गोना डू, अब मुझे ये थोड़ी बहुत ज्यादा लग रही है. अब इसको मैं थोड़ा नेचुरल इफेक्ट देने के लिए एक ब्राउन शेड लूंगी और इसको उसके साथ स्मज कर दूंगी. आई हैव दिस नायका लिपस्टिक इन द शेड रॉयल हनी लिपस्टिक. ओके आई एम गोना अप्लाई इट ऑन माय डैब डैब. एज यू कैन सी नाउ द शेड इज मच लेस. पहले बहुत ज्यादा पॉप आउट हो रहा था, पिंक लग रहा था. अब मैंने ब्राउन लिपस्टिक इसके ऊपर डैब की है. नाउ इट्स समथिंग बिटवीन न्यूड एंड पिंक के बीच का कलर है ये. सो नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद माय लिपस्टिक. ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग मस्कारा. दिस इज द लास्ट स्टेप. मैं मस्कारा फटाफट से अप्लाई करूंगी एंड दैट्स इट. And that's it. I am satisfied with my makeup. Now quickly I'm gonna do my hair. मैं hair करके फिर आपको मिलती हूँ. So guys, this is my final look. I have worn this nice choker and done my hair. So hope you all enjoyed this video. अगर आपको ये थोड़ी सी भी helpful लगती है video, अगर आपको थोड़ा सा भी ये video देख के मजा आया है, so don't forget to hit like, share and subscribe button. It will be a great support and motivation for me. So everyone, please give me support and subscribe my channel. Thank you everyone. Bye bye.